देश के सोनभद्र जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। सोनभद्र जिले के रॉबर्ट्सगंज कोतवाली इलाके में मंगलवार की रात शादी समारोह के दौरान हर्ष फायरिंग में गोली लगने से एक सेना के जवान की मौत हो गई। आश्चर्य की बात यह है कि ये फायरिंग खुद दूल्हे ने की थी। पुलिस ने इस मामले के आरोपी दूल्हे को बुधवार को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में आप उतावले दूल्हे को अपनी शादी में गोली चलाते हुए देख सकते हैं। पुलिस ने जानकारी दी कि अपनी शादी को लेकर दूल्हा मनीष मधेशिया इतना उत्साहित था कि बारात के दौरान पिस्टल निकालकर हर्ष फायरिंग करने लगा। इसमें से निकली गोली उसके ही दोस्त को लगी जो आर्मी में जवान था। इससे आर्मी के जवान बाबूलाल यादव की मौत हो गई। इससे भी हैरान करने वाली बात ये है कि जिस पिस्टल से गोली चलाई गई वह मृतक आर्मी के जवान बाबूलाल की ही थी। रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार को रॉबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के ब्रह्मानगर स्थित गेस्ट हाउस में मनीष मधेशिया की शादी होनी थी। इस शादी में शामिल होने के लिए उसके दोस्त और फौजी बाबूलाल यादव शामिल होने पहुंचे थे। दूल्हा सज धज कर बारात लेकर गेस्ट हाउस के लिए निकला था। उसके साथ काफी बाराती भी थे। इस दौरान दूल्हा अपनी शादी को लेकर इतना उत्साहित हो गया कि वह बग्घी पर ही खड़े होकर पिस्टल से हर्ष फायरिंग करने लगा। इस पिस्टल से निकली एक गोली उसके दोस्त बाबूलाल यादव को जाकर लगी। गोली लगने से बाबूलाल यादव बुरी तरह घायल हो गया। इसके बाद मौके पर मौजूद लोग उसे तुरंत ही जिला अस्पताल लेकर पहुंचे। हालांकि जिला अस्पताल पहुंचने से पहले ही उसकी जान जा चुकी थी और डॉक्टरों ने वहां उसे मृत घोषित कर दिया। गोली की घटना के बाद शादी की खुशियां पल भर में मातम में बदल गईं। हर्ष फायरिंग में आर्मी के जवान बाबूलाल की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। बता दें कि बाबूलाल ही अपने परिवार का सहारा थे। इसके बाद फौजी के परिवार की तरफ से हत्या का मामला दर्ज कराया गया। अब पुलिस ने आरोपी दूल्हे को हिरासत में ले लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज की खबर।